दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की तरफ से 15 सदस्यों की जो भारतीय टीम है उसका ऐलान हो चुका है। वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम रहेगी, रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर होंगे, उनका साथ देंगे शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को यहां पर लिया गया है और केएल राहुल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। ईशान किशन, हार्दिक पंड्या जो है यहां पर वाइस कैप्टन है और रविंद्र जाडेजा ऑलराउंडर के रूप में रहेंगे। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, ये सभी लोग जो है बॉलर के यहाँ पर कैटेगरी में चूज किए गए हैं। टीम सिलेक्शन के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस समय पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कैसा लगता है, इसलिए मैं जानता हूं कि जो लोग इसका हिस्सा नहीं है उन्हें कैसा लग रहा होगा। टीम इंडिया ने स्क्वाड के अंदर हार्दिक पंड्या और शार्दुल ठाकुर के तौर पर दो पेस ऑलराउंडर और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के तौर पर दो स्पिन ऑलराउंडर्स को चुना है। रोहित शर्मा ने इस दौरान साफ तौर पर कह दिया कि प्लेइंग 11 में किसी भी खिलाड़ी को जगह देने के पीछे तीन वजह थी। सबसे पहली उनका फॉर्म कैसा चल रहा है और अभी वो परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं और हमारे सामने विरोधी टीम कैसी होगी, इन तीनों चीज़ों को देखकर ही यहां पर वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन किया गया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग खुश नहीं हैं कि संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया। काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि संजू सैमसन और जो युजवेंद्र चहल है बॉलिंग के लिए उनको ओडीआई वर्ल्ड कप में रखना चाहिए था, लेकिन यहां पर उन्हें हिस्सा नहीं बनाया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यहां पर मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।